अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार। ये देखिए, फिलिंग देखिए इसकी, कमाल की लग रही है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए 1 किलो आलू लेके उनको बॉईल करके तो मैश कर लिया है। अब इसमें हरा मसाला डालते हैं, जिसमें कि ग्रीन ऑनियन है और हरा धनिया है, हरी मिर्ची हैं, ये डाल दें। सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, कुटा हुआ धनिया, धनिया ज्यादा जाएगा, कुटा हुआ जीरा, अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। जबरदस्त सा मसाला रेडी है, चलिए अब पराठे बनाते हैं। आटा गूंद के रखा हुआ है, चक्की का आटा ही है, इसके आप पेड़े बनाते हैं। दोनों रोटियां बेल ली हैं, अब मसाला लगाएंगे। दूसरी रोटी ऊपर रखेंगे, साइडों से सील करते हैं दबा के। तवा गर्म हो गया, इस पे ऑयल डाला हुआ है थोड़ा सा, इसके ऊपर आराम से पराठा डाल दें। एक तरफ से सिक गया पराठा, आराम से इसको पलट देते हैं। ऑयल या घी लगाएं। ऑयल या घी लगा के तो इसको फ्राई कर लिया मैंने। ये देखिए, जबरदस्त आलू का पराठा रेडी है। ऊपर से बटर लगाएं, बटर के बगैर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बटर लगाएंगे तो बहुत कमाल का लगेगा। थोड़ा सा इसको गूंद करते हैं। ये देखिए, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।